वेलकम टू ट्रैवल सूत्रा सुमन से। तो आज जिस रेस्टोरेंट को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं, वहां हम एक साल पहले भी गए थे, लेकिन उस वक्त वहां चल रहा था रेनोवेशन का काम, वो था कनॉट प्लेस में। उसके बाद हम लोग भूल गए, लेकिन एक दिन अचानक से हमने देखा शार्क टैंक का एपिसोड और उसमें अमन गुप्ता ने इतनी ज्यादा तारीफ की कि यहाँ तक कि उस पर इन्वेस्ट भी कर दिया। उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ जाना तो बिल्कुल बनता है। तो हम आए हैं दरियागंज कनॉट प्लेस वाले नहीं एरोसिटी में। तो दरियागंज बाय द इन्वेंटर ऑफ बटर चिकन एंड दाल मखनी, इसकी जो हिस्ट्री है ना वो काफी रिच है। ये तो आप जानते हैं कि ये क्लेम करता है कि जो बटर चिकन और दाल मखनी है वो इन्होंने इन्वेंट की है, और मोती महल और दरियागंज में इसे लेके फाइट भी चलती रहती है। तो इससे पहले कि हम दरियागंज को एक्सप्लोर करें, यहाँ की रिच हिस्ट्री के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तो शार्क टैंक में जैसा कि इन्होंने बताया था कि बेसिकली तीन दोस्त थे जो पाकिस्तान से आए थे, तीनों अच्छे कुक थे, तंदूरी खाने की बहुत अच्छी नॉलेज थी, और तीनों ने ही मिलकर दरियागंज में एक साथ अपना काम जो था शुरू किया। लोगों को उनका तंदूरी खाना जो था वो पसंद भी आ रहा था, और एक दिन अचानक से इन्वेंट हुआ बटर चिकन। अब बटर चिकन जो था ना उसके इन्वेंट होने की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हुआ यूं कि एक दिन अचानक से बहुत सारे गेस्ट आ गए, जो उनका मेन मेन्यू था वो खत्म हो चुका था, सिर्फ तंदूरी चिकन बचा था। तो तीनों दोस्तों ने मिलकर एक आइडिया लगाया, टमाटर और बटर की एक मस्त सी ग्रेवी तैयार की और जो उनके तंदूर के चिकन थे वो उसमें डाल दिए, और इस तरीके से जो था इन्वेंट हुआ बटर चिकन, और उसका टेस्ट लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। और इन्हीं तीनों दोस्तों ने मिलकर दरियागंज में शुरुआत की थी मोती महल की। तो आज के डेट में बेसिकली जो मोती महल है वो कुंदन लाल बुजवाल की लेगेसी है, उनके ग्रैंडसन उसे आगे बढ़ा रहे हैं, और जो दरियागंज है वो कुंदन लाल जंगी के ग्रैंडसन देख रहे हैं, और यही एक कारण है कि दोनों के बीच फाइट चलती रहती है कि बटर चिकन का जो इन्वेंशन है वो उन्होंने किया है। अब तीन दोस्त थे, तीनों में से बेसिकली उस वक्त बटर चिकन का आइडिया किसके दिमाग में आया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये हम आपको जरूर बता सकते हैं कि कहाँ का बटर चिकन बेटर है, और यही चेक करने आज हम सबसे पहले आए हैं दरियागंज। ये है दरियागंज रेस्टोरेंट इन एरो सिटी, जो अंदर से दिखता है कुछ ऐसा। ये जो वॉल है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। बेसिकली इस वॉल में उन सभी सेलिब्रिटीज की फोटोज हैं जो यहाँ के बटर चिकन के, यहाँ के खाने के फैन हुआ करते थे। दरियागंज की जो ओपनिंग टाइम है वो है सुबह 12 बजे और दिन में 4 बजे ये क्लोज हो जाता है, उसके बाद दोबारा से ओपन होता है शाम को 6 बजे। तो अगर आप लंच पर यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो 4 बजे से पहले पहले आए। हम यहाँ पहुँचे थे 3:30 के अराउंड और उस वक्त चल रहा था लंच के लिए लास्ट ऑर्डर। हमने ऑर्डर करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, क्योंकि ऑर्डर क्या करना है वो इस बार प्री डिसाइडेड था, मेन्यू देखने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने ऑर्डर किया इनका फेमस बटर चिकन दाल मखनी विद नान एंड बटर रोटी। लेकिन इनका मेन्यू बहुत बड़ा है, बहुत ऑप्शंस है उसमें, आप वीडियो को पॉज कर इनका मेन्यू चेक कर सकते हैं। और ये है इनका ड्रिंक मेन्यू। और ये आ गया हमारा ऑर्डर, बटर चिकन, दाल मखनी, नान, और ड्रिंक में ये है दरियागंज ताजगी, जो बेसिकली एक मॉकटेल है, और कॉकटेल में हमने ऑर्डर किया शाने दरियागंज। एंड फाइनली वेट ओवर होते हुए ये है हमारा बटर चिकन का पहला बाइट।
इसका टेस्ट तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ देखने में ये काफी अलग था। जनरली नॉन वेज में बटर ऑयल बहुत दिखता है, और इससे पहले हमने जहाँ भी बटर चिकन खाया है आपको बटर तैरता हुआ थोड़ा बहुत नजर आ ही जाएगा, लेकिन जस्ट हैव अ लुक, इस बटर चिकन में कहीं से भी बटर नहीं तैर रहा है। एंड वन मोर थिंग, जनरली अब तक जहाँ भी हमने बटर चिकन खाया है, जितनी भी मैंने बटर चिकन की वीडियोस देखी हैं, उसमें जो टमाटर की प्यूरी होती है ना, उसे छान दिया जाता है ताकि एक क्रीमी सा टेक्सचर आए, लेकिन यहाँ ऐसा मुझे कुछ भी इस ग्रेवी में नहीं लगा। जो टमाटर के चंक्स थे ना, उसकी जो बाइट थी वो आपको अच्छी खासी फील होगी। ये स्वीट भी नहीं था, बहुत हैवी क्रीमी भी नहीं था, और इसमें जो भी स्पाइसेस डाले गए हैं वो कहीं से भी टमाटर बटर और क्रीम की इस ग्रेवी को ओवर नहीं कर रहे थे। और ये है दाल मखनी। वैसे दाल मखनी इन्वेंट होने की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। जब बटर चिकन हिट हुआ तो सोचा गया क्यों ना सेम तरीके से दाल को भी बनाया जाए, और उसके बाद तैयार की गई हम सब की ये फेवरेट दाल मखनी, वही बटर क्रीम स्पाइसेस के साथ लो फ्लेम पर धीरे धीरे कुक करके। वैसे वो लोग जो वेजिटेरियन है उनका भी ख्याल रखा गया है यहाँ पर। पनीर मखनी आप ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली बटर चिकन और पनीर मखनी की जो ग्रेवी है वो बिल्कुल सेम है, बस एक में चिकन के पीसेस हैं और एक में पनीर के। अब लास्ट में बारी थी मीठे की। बटर चिकन के बाद दरियागंज अपनी कुल्फीज और फिरनी के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है, तो हमने भी यहाँ वही ट्राई किया। तो दरियागंज में हमारा जो लंच है वो ओवर हो चुका है। नाउ इट्स टाइम टू रिव्यू दिस प्लेस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ के एम्बियंस और सर्विस की। तो जो यहाँ का एम्बियंस है एवरेज है, बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है और बहुत फेमस है। तो भीड़, हम लोग वीकेंड में आए हैं तो रश बहुत ज़्यादा था, तो जो एम्बियंस था वो ओवरऑल हमें एवरेज लगा, क्योंकि मेन जो दरियागंज है वो अपने खाने के लिए फेमस है। और जहाँ तक बात करूँ सर्विस की, तो सर्विस अच्छी थी। हालांकि उन्होंने हमें कहा था कि 25 मिनट में जो हमारा ऑर्डर है वो हमें डिलीवर होगा, लेकिन उससे पहले ही जो था हमारा खाना हमें डिलीवर हो गया था, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा। तो सर्विस और एम्बियंस के बाद अब मेन चीज यहाँ का खाना, और उसमें जो मेन्यू था हमें क्या ऑर्डर करना है ये हमारा पहले से डिसाइडेड था, तो हमने आंख बंद करके सीधा वही ऑर्डर किया, बटर चिकन, दाल मखनी, नान और बटर रोटी। और मीठे में हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई की इनकी फिरनी और कुल्फी, जो कि काफी अलग थी, बेलीज कुल्फी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बटर चिकन, जिसे खाने के लिए हम लोग स्पेशली यहाँ आए थे। तो जनरली मैं बटर चिकन की इतनी बड़ी फैन नहीं हूँ, क्योंकि मैंने जहाँ भी अभी तक उसे ट्राई किया है मुझे वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगती है, लेकिन यहाँ जो बटर चिकन मैंने ट्राई किया उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। मतलब पता चल रहा था कि बेसिकली वो टमाटर की ग्रेवी में ही तैयार हुई है, टैंगी फ्लेवर था और बटरी फ्लेवर था। तो मुझे बटर चिकन, मैं फर्स्ट टाइम कहूँगी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और बात करूँ दाल मखनी की, तो दाल मखनी का जो टेस्ट था वो भी अच्छा था, लेकिन हाँ उतना नहीं जितना बटर चिकन हमें पसंद आया। साथ ही जो ड्रिंक में हमने ऑर्डर किया वो था दरियागंज ताजवी, जो कि बेसिकली एक मॉकटेल है, इनका इन हाउस मॉकटेल है। और कॉकटेल में हमने इनका ट्राई किया शान ए दरियागंज। तो जो दरियागंज ताजवी था उसका टेस्ट अच्छा था, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि उसमें पुदीना का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था और मुझे पुदीना इतना ज़्यादा पसंद नहीं। लेकिन अगर आपको पुदीना का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद है तो आपको डेफिनेटली वो जो ड्रिंक है वो पसंद आएगी। रिफ्रेशिंग थी, मेरे लिए सिर्फ जो पुदीना था वो माइनस पॉइंट था। और जहाँ तक शारे दरियागंज है वो मेरे हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, उसका जो टेस्ट था ना काफ़ी ज़्यादा यूनिक होने लगा। तो वो आप यहाँ पर डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और अगर बात करूँ मीठे की, तो मीठे में हमने ट्राई की फिरनी, जो कि यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और उसका टेस्ट हमें अच्छा लगा। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा वाव था, लेकिन हमें उसका टेस्ट अच्छा लगा। और जो कुल्फी थी बेलीज कुल्फी, उसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक था। मतलब अगर आप पिस्ता कुल्फी, पान कुल्फी या फिर बाकी कुल्फी खा के, रेगुलर कुल्फी खा के बोर हो चुके हैं, लेकिन अगर बेलीज आपने पी है, आपको पसंद है, तो डेफिनेटली ये जो कुल्फी है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। अब बात कर लेते हैं ये जगह कितनी पॉकेट फ्रेंडली है। तो ये जगह पॉकेट फ्रेंडली है या नहीं ये मैं नहीं कह पाऊंगी, क्योंकि हर किसी के लिए पॉकेट फ्रेंडली की डेफिनेशन अलग अलग होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनका बटर चिकन ट्राई करने आ रहे हैं, दो लोग हैं,
तो इतना मैं श्योरली कह सकती हूँ कि 1000 में आप आराम से इनका बटर चिकन विद नान एंजॉय कर सकते हैं। हमारा बिल थोड़ा सा ज्यादा आया क्योंकि हमने काफी कुछ ऑर्डर किया, ड्रिंक्स से लेकर हमने नीचे तक में ऑर्डर किया, यहाँ तक कि हमने खाना घर के लिए भी पैक कराया, तो इस वजह से हमारा बिल थोड़ा सा ज्यादा आया। तो दरियागंज हम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया है, अब हमें एक्सप्लोर करना है मोती महल। अब ये भी तो जानना है कि दोनों में से बटर चिकन का टेस्ट कहाँ का बेटर है। तो अगर हम मोती महल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको बताएंगे दरियागंज और मोती महल में से किसका बटर चिकन बेटर है टेस्ट में। लेकिन अगर आपने मोती महल और दरियागंज दोनों को एक्सप्लोर कर लिया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहाँ का बटर चिकन और दाल मखनी बेटर लगी। और अगर आप ट्रैवल सूत्र सुमंस पे बने हैं तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आपसे जल्द मुलाकात होगी।